Hello my dear kids, welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are learning English grammar of class 7th. So here children, this is your book and the name of your book is Grammar Glitter Odyssey. And today we are going to start with chapter number 22 and the name of the chapter is Clauses. So yes, we are going to learn today what are clauses. A group of words which form a part of a sentence and contains a subject and a finite verb of its own is called a clause. So clauses क्या होते हैं? ये कुछ group of words होते हैं जो sentence का ही एक part होते हैं and contains a subject, और इसमें subject भी होता है और एक finite verb भी होता है. For example, they bought this chair because it was cozy. तो यहाँ पे आप sentence देख सकते हो, they bought this chair. यहाँ पे ये जो blue color से लिखा है, ये हमारा clause. क्या है? Because it was cozy. The highlighted group of words in the sentence has a subject and verb. So ये जो highlighted group of words हैं इस sentence में, इसमें एक subject है और verb है. But it does not make complete sense. लेकिन ये एक complete sense नहीं दे रहा है. So it is a clause. इसीलिए इसे clause कहा जाता है. A clause has only one finite verb in it. तो जो clause होता है उसमें सिर्फ एक finite verb होता है. Kinds of clauses. There are two kinds of clauses. Principal clause and subordinate clause. So clause, जो क्लॉज है उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज प्रिंसिपल एंड द सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट. वॉट आर दे? लेट्स लर्न. फर्स्ट कम्स अ प्रिंसिपल क्लॉज. अ क्लॉज दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इंडिपेंडेंटली एंड स्टैंड्स बाय इटसेल्फ. ऐसा क्लॉज जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है और stands by itself और खुद से properly वो खड़ा हो सकता है, उसे हम principal clause कहते हैं. means उसे किसी की help की ज़रूरत नहीं होती है. a principal clause is also known as main clause or independent clause. principal clause को हम main clause और independent clause दोनों ही कह सकते हैं. the examples are they saw movies, I wrote a letter. तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, आप इससे समझ में आपको हमें क्या आ रहा है कि दे सॉ मूवी, उन्होंने मूवी देखी, एंड आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा. तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो हमें इसका एक प्रॉपर मीनिंग समझ में आ रहा है. नाउ लेट्स लुक व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. अ क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन सम अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. ऐसा क्लॉज जो किसी और पे डिपेंड करता है उसके मीनिंग के लिए, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. एग्जाम्पल इज व्हेन आई सॉ यू एंड द सेकेंड वन इज बिफोर आई सॉ यू. तो आप देख सकते हो ये दोनों जो सेंटेंसेज जब हम पढ़ते हैं, व्हेन आई सॉ यू इसका मतलब जब मैंने तुम्हें देखा, सो दिस इज इनकम्प्लीट. बिफोर आई सॉ यू जब तुम्हें देखने से पहले, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट. सो दीज टू आर सबऑर्डिनेट क्लॉज. ऐसे क्लॉज जो इनकम्प्लीट हो खुद में. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैन बी चेंज्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय एडिंग अदर वर्ड्स. ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं इन्हें हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या करके? बाय एडिंग अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स को ऐड करके. द एग्जाम्पल्स आर यू वर रीडिंग अ बुक व्हेन आई सॉ यू. तुम एक बुक रीड कर रहे थे जब मैंने तुम्हें देखा. You can attend the workshop if you are a doctor. तुम जो workshop को attend कर सकते हो अगर तुम एक doctor हो. So these are the two examples. Now children, let's do this book exercise. Here the first question is A part. Find out the principal clause and subordinate clause or clauses in the following sentences. तो यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, हमें इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं दोनों को सेपरेट करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जेम्स स्पोक एज दो ही वाज अ बॉर्न ओरेटर. सो हियर इन दिस सेंटेंस
जो मैंने अंडरलाइन किया एज टू ऑरेटर, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्यों? क्योंकि जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें इसका क्लियर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा. एज ओ ही वॉज अ बॉर्न एक्टर, जैसे कि वो एक बॉर्न एक्टर था. सो दिस इज नॉट गिविंग एज अ कंप्लीट मीनिंग. सो दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड जेम्स स्पोक, दिस इज लेफ्ट हियर. नेक्स्ट सेकेंड वन यू कैन सी, दे फेल्ट दैट द फार्मर वाज़ पुट टू डेथ. उन्हें ऐसा लगा कि फार्मर को जो है डेथ दे देनी चाहिए. सो हियर दैट द फार्मर वाज़ पुट टू डेथ इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट वन इज द न्यूज़पेपर विल टेल अस टुमारो व्हाट द वर्ल्ड डज टुडे. सो व्हाट द वर्ल्ड डज टुडे, दिस इज ऑल्सो अ subordinate clause. So like this children, you have to find out the principal clause and the subordinate clause. Now let's learn about the kinds of subordinate clauses. Subordinate clauses ko bhi kuch types mein aap keh sakte ho categorize kiya gaya hai. There are three kinds of subordinate clauses: adjective clauses, adverb clauses and noun clauses. So ye jo hamare subordinate clause hai, inhe hum three पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो है एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन. सो लेट्स लर्न व्हाट आर एडजेक्टिव क्लॉजेस. अ क्लॉज दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव, ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव के रूप में काम करे, एडजेक्टिव की तरह वर्क करे, एक्ट करे इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज. एग्जाम्पल इज द बॉय वियरिंग अ ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो शर्ट के लिए ब्लैक वर्ड यूज किया गया जो एक एडजेक्टिव है. सो वियरिंग अ ब्लैक शर्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज. द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लैक शर्ट इज माय ब्रदर. सो यहाँ पे हु इज वियरिंग अ ब्लैक शर्ट इज आल्सो विच टाइप ऑफ क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज. इन बोथ द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन कलर्ड लेटर डिस्क्राइब अ नाउन बॉय. सो दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हो कि जो नाउन है हमारा बॉय, उसको ही डिस्क्राइब किया गया है. So they are functioning as adjective. इसलिए ये जो sentence है ये adjective की तरह work कर रहे हैं. In sentence one, जब हम sentence one की बात करते हैं so wearing a black shirt does not have a finite verb. So यहाँ पे ये जो word लिखा है wearing a black shirt, इसमें कोई भी finite verb नहीं है. So it is an adjective phrase. तो इसीलिए हम इसे adjective phrase भी कहेंगे. अभी तो हम एडजेक्टिव क्लॉज को इम्पोर्ट रहते हैं, बट इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे. इन सेंटेंस टू, हु इज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट हैज अ सब्जेक्ट. हु, इसमें एक सब्जेक्ट है हु, यहाँ पे आप देख सकते हो. सो हु इज अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब इज वेयरिंग. और यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो है इज वेयरिंग. सो दोनों ही चीजें यहाँ पे है. सो दीज वर्ड्स फॉर्म एन एडजेक्टिव क्लॉज. सो ऐसे जो ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं सेकेंड में, ये वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव क्लॉज बनते हैं. हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज. सो एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, लेट्स रीड देम. एन एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है. इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन विच वन. ये क्या करता है? क्वेश्चन को आंसर देता है. और जो क्वेश्चन क्या पूछना है, विच वन, कौन सा. फॉर एग्जाम्पल इन सेंटेंस टू इट आंसर्स द क्वेश्चन हु. जब आप सेंटेंस टू पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु. तो जिससे ये हमें पता चल रहा है कि हु इज वेयरिंग द ब्लैक शर्ट, तो उस पर्टिकुलर बॉय की यहाँ पे बात हो रही है. Second point says an adjective clause is usually introduced by the words. Adjective clause को हम words से ही introduce कर सकते हैं. Who, whose, whom, which and that. Who is used for living beings. So who जो word है वो living beings के use किया जाता है. Which is for non-living things. तो non-living things की जब हम बात करते हैं तो हम which से question पूछते हैं. और एनिमल्स दैट मे बी यूज फॉर बोथ. दैट को हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. ओकेजनली एन एडजेक्टिव क्लॉज मे ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड एज बाय एज व्हेन वेयर.
सो एडजेक्टिव क्लॉज को हम एज वेन वेयर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे हम इसे क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रेन, पीपल हु आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, दे एनर्जी ऑन अ सिंगल एम हार्डली सक्सीड इन लाइफ. सो हियर यू कैन सी हु क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज. थर्ड पॉइंट सेज समटाइम द इंट्रोडक्टरी वर्ड मे बी ओमिटेड ऑल टूगेदर. कई बार होता है कि जो इंट्रोडक्टरी वर्ड है वो ओमिटेड है, मीन्स हटा दिया जाता है. एग्जाम्पल इज हियर इज अ पर्स यू हैव बिन लुकिंग फॉर. सो यहाँ पे हियर इज अ पर्स दैट यू हैव बिन लुकिंग फॉर, इसमें आप देख सकते हो दैट को रिमूव कर दिया गया है. सो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो वर्ड्स हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, इन्हें रिमूव कर दिया जाए. सो हियर इज अ पर्स, यहाँ से दैट को रिमूव कर दिया गया है. सो दैट इज नॉट टू बी रिटन हियर. फोर्थ पॉइंट सेज एन एडजेक्टिव क्लॉज शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स. एडजेक्टिव क्लॉज को क्या करना चाहिए, नाउन के एकदम पास रखना चाहिए. Therefore should be to place it next to the noun it describes. क्या करना चाहिए, noun जिसको वो describe कर रहा है उसके ज़्यादातर उसे हमें पास रखें. Now let's move on to exercise B. Fill in the blanks with adjective clause. Here the first question is children. So now children let's move to B exercise. Fill in the blanks with adjective clause. Here the first one is he has lost his bag, and here we have to fill in with adjective clause. So I have written he has lost his bag which contains important documents. Second one is I found the pencil that I lost yesterday. So like this children you have to complete the rest of the sentences that are given here with adjective clauses. Now children let's move to adverb clauses. These are the second types of clauses. In a sentence, a clause that act as the adverb is called adverb clauses. किसी भी sentence में ऐसे clauses जो verb adverb की तरह act करें उन्हें हम adverb clauses कहते हैं. Example is in case of the train being late, we shall catch a bus. So यहाँ पे आप देख सकते हो in case of the train being late. ट्रेन के लेट होने के केस में हम क्या करेंगे, बस पकड़ लेंगे. सो वी शैल कैच अ बस. तो आप देख सकते हो वी शैल कैच अ बस जब आप बोलोगे तो इट इज विच टाइप, इट इज प्राइमरी क्लॉज. एंड इन केस अ ट्रेन बीइंग लेट, आप देख सकते हो दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट इज एडवर्ब फ्रेज हियर. इन द सेकेंड सेंटेंस यू कैन सी In case the train is late, we should catch a bus. अगर ट्रेन लेट होती है तो हमें बस पकड़ लेनी चाहिए. So here we can see, in case the train is late, this word is adverb clause. ऊपर जो है adverb phrase है और नीचे adverb clause है. Let's read more about them. In sentence 1, the expression in case of the train being late does not have a finite verb. So यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कोई भी finite verb नहीं है. So it is a phrase. इसीलिए इसे phrase कहा जाएगा. Since it is acting as adverb, क्योंकि एक adverb की तरह act कर रहा है, it is an adverb phrase. इसे हम adverb phrase कहेंगे. So children we have to keep in mind कि दो sentences दिए गए हैं. First one is not adverb clause, but the second one is. In second sentence, the expression in case the train is late has a subject, the train, and finite verb is late. तो आप देख सकते हो यहाँ पे the train जो है subject है और is late क्या है, verb है. तो दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे, subject भी है और finite verb भी है. So it is called a clause. इसीलिए इसे clause कहा जा रहा है. Since it is acting as an adverb, it is an adverb clause. क्योंकि एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसे हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे. हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट अबाउट द एडवर्ब क्लॉज. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेट्स रीड देम. द फर्स्ट वन इज एन एडवर्ब क्लॉज यूजुअली मॉडिफाइज अ वर्ब. एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है.
सिंस मोस्ट ऑफ द वर्ब्स डिनोट एन एक्शन, क्योंकि जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो किसी भी एक्शन को डिनोट करते हैं. एज एडवर्ब क्लॉज टेल समथिंग अबाउट द एक्शन मेंशन इन अनदर क्लॉज. ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये क्या बताता है, कुछ बताता है कुछ एक्शंस के बारे में जो किसी और क्लॉज में मेंशन है. इट मे टेल द टाइम, ये क्या करते हैं टाइम बताते हैं. प्लेस और मैनर ऑफ एक्शन, प्लेस भी बताते हैं और एक्शन किस तरीके से हो रहा है ये भी बताते हैं. इट मे कंपेयर और कंट्रास्ट दिस एक्शन विथ एनी अदर एक्शन, ये क्या करते हैं जो भी एक्शन उसे कंपेयर करते हैं या कंट्रास्ट करते हैं किसी और एक्शन से. अकॉर्डिंगली वी गेट एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम प्लेस मैनर कॉज एफर्ट पर्पस और कंडीशन. तो हमें जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अंडर एडवर्ब क्लॉज. नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज एडवर्ब क्लॉज आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स. एडवर्ब क्लॉज को हम इन सारे वर्ड्स से जानते हैं. प्लेस की बात की जाए तो वेयर और वेयर एवर यूज करते हैं. टाइम सेज वेन वेन एवर बिफोर आफ्टर सिंस टिल एज सून एज वाइल एज. नाउ इट टेल्स द कॉज, एडवर्ब क्लॉज जो है कॉज क्या बताते हैं, सिंस बिकॉज एज इफेक्ट एंड कॉन्सेंस सो दैट सच दैट एंड पर्पस क्या है दैट सो दैट लीस्ट. सो दीज ऑल थिंग्स वी यूज इन एडवर्ब क्लॉज. नाउ चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू सी एक्सरसाइज. हियर द क्वेश्चन इज अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम ग्लैड दैट शी गॉट प्रमोशन. सो हियर दैट इज an adverb clause of purpose. Wherever you go, I will follow you. So here we are going to underline wherever you go. This is adverb clause. Third one is we are not foolish as they think. So here we are going to underline as they think. This is adverb clause here. Now do the rest questions yourself. Now let's move on to noun clause. A clause which act as noun in a sentence is called noun clause. ऐसे clause जो किसी भी sentence में noun के तरह से work करते हैं उन्हें हम noun clause कहते हैं. For example, Shreya expected to pass. So Shreya ने expect किया था कि वो pass हो जाएगी. So यहाँ पर to pass क्या है, एक noun clause. Shreya expected that she would pass. Here also you can see that she would pass is highlighted. In both the sentences, a word in the correct letter or ask answer a question. In दोनों ही अगर sentences को देखें तो ये जो colorful words हैं वो क्या करें, किसी भी question को answer कर रहे हैं. Expected what? क्या expect किया था श्रेया ने? So यहाँ first में हमें पता चल रहा है to pass. फिर से हमने पूछा क्या एक्सपेक्ट किया था श्रेया ने, दैट शी वुड पास. तो दोनों ही जो हैं एक क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं. सो दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्टेड. सो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वर्ब है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. इट मीन्स दैट दे आर डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन. इसका ये मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, नाउन का काम कर रहे हैं. इन सेंटेंस वन द एक्सप्रेशन टू पास कन्वेज ओनली इम्पॉर्टेंट मीनिंग एंड डज नॉट हैव एनी फाइनाइट वर्ब. सेंटेंस वन में की जब हम बात करेंगे जो ये जो टू पास वर्ड है ये क्या करता है, ये कन्वे करता है एक इनकम्प्लीट मीनिंग. क्या पास, कहाँ पास हो जाएगी कुछ नहीं पता. सो इट गिव्स एन इनकम्प्लीट मीनिंग एंड डज नॉट हैव एनी फाइनाइट वर्ब. और ना ही इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब आपको दिखाई देगा. Therefore, it is a phrase. इसलिए ये एक noun phrase है. But when we talk about sentence two, the expression that she would pass has a subject. She, इसके पास एक subject है जो है she and a finite verb which is would pass. तो would pass क्या है, एक finite verb है. So in this, it is a clause. And since it's doing the work of a noun, it is a noun clause.
हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नाउन क्लॉज. सो नाउन क्लॉज के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. लेट्स रीड द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज अ नाउन क्लॉज मे यूजुअली एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जो नाउन क्लॉज है वो क्या करता है, वर्ब में एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है. द ऑब्जेक्ट आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के भी फॉर्म में. और द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन एन इन्फिनिटिव और अ पार्टिसिपल. सेकेंड पॉइंट सेज अ नाउन क्लॉज इज ऑफन इंट्रोड्यूस बाय दैट. जो नाउन क्लॉज है वो ज़्यादातर दैट से स्टार्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड. इट मे बी इंट्रोड्यूस बाय क्वेश्चन वर्ड्स लाइक वाई, वॉट, हाउ एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल आई वंडर्ड वाई नोबडी हैज टर्न्ड अप. मैंने ये सोचा था कि कोई भी क्यों नहीं आया. इट मे बी इंट्रोड्यूस बाय इफ और वेदर. इसे इफ या फिर वेदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई अंडरस्टूड द लेसन. वी शुड नॉट जज अ क्लॉज बाय द वर्ड इंट्रोड्यूसिंग इट. सो किसी भी क्लॉज को उसके इंट्रोड्यूसिंग वर्ड से हमें जज नहीं करना चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस बिफोर सेइंग दैट टू इन इट इज इन नॉन क्लॉज. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करें कि इसी भी सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले कर रहा है. बिफोर सेइंग दैट इट इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब क्लॉज. तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि सेंटेंस कह क्या रहा है. उसके बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि वेदर इट इज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू डी एक्सरसाइज. हियर द क्वेश्चन इज सप्लाई सूटेबल नाउन क्लॉजेस टू कम्प्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए, हमें इसमें नाउन क्लॉजेस को ऐड करना है. द फर्स्ट वन इज ही वंडर एंड आई हैव फेल्ड, वॉट शी वुड से नेक्स्ट एंड देन फुल स्टॉप. सो उसने ऐसा सोचा कि पता नहीं वो आगे आगे जाके क्या कहेगी. सेकेंड वन इज दैट ही विल अराइव अर्ली इज क्वाइट पॉसिबल. वो जल्दी आ जाए, हो सकता है ये काफी ज्यादा पॉसिबल है. सो लाइक दिस कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन चिल्ड्रन हियर. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू ई एक्सरसाइज. द क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द क्लॉज एंड इट्स टाइप. तो यहाँ पे क्या करना है, क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है और उसके टाइप्स को लिखना है. सो यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक. सो वेयर एवर यू लाइक वी विल अंडरलाइन बिकॉज इट इज अ क्लॉज एंड विच टाइप इट इज एडवर्ब क्लॉज. क्लियर. नेक्स्ट वन एज शी वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हर सिस्टर. सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरलाइन एज शी वॉज नॉट देयर एंड दिस इज ऑल्सो एडवर्ब क्लॉज. सो कंप्लीट द रेस्ट क्वेश्चंस योर सेल्फ एंड आइडेंटिफाई विच क्लॉज इज बींग यूज्ड हियर. Children, here we are going to learn about comic corner and in this we are going to learn what are apostrophe. The apostrophe is used to form possessives to show omission. Possessives means position बताने के लिए हम apostrophe को use करते हैं. किसी भी person के belonging को बताने के लिए हम क्या करते हैं, apostrophe को use करते हैं. Here you can see some comic corner is given जहाँ पे कुछ दो बच्चे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं. Let's read what they are talking about. Look at this dog I found. He might be the dog that Annie Smith lost. I bet it's Annie, it's Smith's dog. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो बच्चे बात कर रहे हैं. एक को एक डॉग मिला है और उसने कहा कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि एनी स्मिथ का डॉग है. और आई बेट दिस इज स्मिथ्स डॉग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मिथ्स डॉग मीन्स स्मिथ के साथ अपोस्ट्रोफियस लगाया गया है जो क्या बता रहा है कि वो डॉग किसका है, स्मिथ का. सो द नेक्स्ट वॉइस सिंग अनलेस एनी इज एन ऑफन यू मीन द स्मिथ्स डॉग बिकॉज देर इज मोर देन वन स्मिथ. तो यहाँ पे अब जो दूसरा बच्चा वो कह रहा है कि हाँ तुम्हें पता होगा कि एनी, दिस डॉग इज एनी. तो एनी एक ऑफन है तो इसका मतलब
तुम ये कहना चाहते हो कि ये स्मिथ का डॉग है. अगेन यू कैन सी, जब स्मिथ के डॉग की बात हो रही है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, बिकॉज देयर इज मोर देन वन स्मिथ, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा स्मिथ रहते हैं. लेट्स चेक द डॉग्स कॉलर. नो नेम हियर. सो यहाँ पे अब उन्होंने डॉग के कॉलर को चेक किया, तो डॉग्स कॉलर अपोस्ट्रोफी लगा दिया यहाँ पे. यू अपोस्ट्रोफी, योर अपोस्ट्रोफी रियली नीड सम वर्क. यू मीन लेट्स, यू वॉन्ट टू से लेट्स, सो हियर वी हैव टू पुट द अपोस्ट्रोफी. इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, यू मस्ट बी सीइंग डबल. हियर इज ओनली वन डॉग, सो इट्स डॉग्स कॉलर. तो यहाँ पे भी ये जो लिखा है ये भी रॉन्ग है, डॉग के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा. फाइनली नेम डज नॉट शो ओनरशिप. तो यहाँ पे जो ये लिखा है कि जो नेम है वो ओनरशिप को शो नहीं कर रहा है. नेक्स्ट इज वॉट अबाउट जॉन, कुड इट बी हर्स और बिल एंड बॉब. आई बेट इट इज देयर्स और जिम कॉलिंस, बट आई बेट ही इज जिम्स कॉलिंस डॉग. सो आपने, आप देखा कि एक बच्चे ने, इस बच्चे ने दोबारा बोला कि क्या ये जॉन का डॉग है, क्या वो उसका हो सकता है हर्स, और बिल, क्या बिल का डॉग है या बॉब का डॉग है या फिर किसी और पर्सन का डॉग है जिसका नाम है जिम कॉलिन. आई बेट यू विल नीड लर्न, नेवर लर्न टू यूज अपोस्ट्रोफी करेक्टली. तो दूसरे बच्चे ने कहा कि आप अपोस्ट्रोफी जहाँ भी बोल रहे हो वो रॉन्ग बोल रहे हो. हर्ट्स आएगा, ये नहीं आएगा. एंड देयर्स आएगा, ये नहीं आएगा. एंड ऑलरेडी आर ऑलरेडी पॉजिटिव, सो डोंट एड द अपोस्ट्रोफी. तो यहाँ पे उसने बोला इस दिस बॉय ने कि इन दोनों में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव हैं. एंड द करेक्ट पॉजिटिव्स, और ये सही पॉजिटिव्स हैं. सो द फर्स्ट बॉय सेज मे बी ही नोज मोर ट्रिक्स. तो उसने कहा कि हो सकता है इससे ज़्यादा ट्रिक्स आते हों. तो अब जो है सेकेंड बॉय ने क्या कहा, ही सर्टनली नोज मोर देन यू डू अबाउट अपोस्ट्रोफी, मे बी दैट्स वन ऑफ हिज ट्रिक. सो अब जो है इतनी देर में वहाँ से डॉग गायब हो जाता है, और फिर जो सेकेंड बॉय था उसने बोला कि तुमसे, तुम जैसे अपोस्ट्रोफीज को यूज़ कर रहे हो वैसे नहीं यूज़ किया जाता है, और वो शायद डॉग तुमसे भी ज़्यादा ट्रिकी है, चालाक है. सो वॉट दे सी, सिट रोल ओवर फेच स्पीक शेक यूज प्रॉपर ग्रामर. सो दे आर टॉकिंग अबाउट सम ग्रामर यूसेज. ओह ही इज सो स्मार्ट, ही इज, लेट्स गो टीच मी मोर प्लूरल्स एंड पॉजिटिव्स. तो फर्स्ट बॉय ने कहा कि चलो ये डॉग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और मुझे चलो और भी ज़्यादा पॉजिटिव्स पढ़ना है, यू प्लीज़ टीच मी. यू टू आर द मोस्ट बोरिंग किड्स इन द वर्ल्ड. अभी डॉग सोच रहा है कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग किड्स हैं. सो सेकेंड बॉय सेज यू मीन प्लूरल्स एंड पॉजिटिव्स. अब यहाँ पे भी प्लूरल्स में अपोस्ट्रोफी एस और पॉजिटिव्स में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया. तो अब इस सेकेंड बॉय ने कहा तुम क्या, तुम प्लूरल और पॉजिटिव की बात कर रहे हो, पॉजिटिव की बात कर रहे हो. सो चिल्ड्रेन, दिस वॉज लर्निंग अबाउट पॉजिटिव्स. आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, यू लाइक्ड इट, एंड आई विल बी मीटिंग यू सून विथ अ न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.